मुझे सुनने और देखने वालों को सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। फिर मेरे चैनल के होम गार्डनिंग में आप सबको खुश आमदीद। तो आज की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ये कैलेंडुला प्लांट है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें ऑरेंज कलर की फ्लावरिंग हुई हुई है और ये कलियाँ भी आपको नज़र आ रही होगी। ये कलियाँ नीचे नीचे हुई हुई है और यहाँ पर भी साइड से कलियाँ आपको दिख रही होगी। तो बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है और ये सर्दियों का ऐसा प्लांट है कि ये काफ़ी लंबे अरसे तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। मतलब कि अप्रैल मई जून तक भी इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। गर्मियाँ आ जाए तो 4-5 घंटे की धूप दें, फिर इसके बाद आप इसे शेडी एरिया में रख दें, फिर 4-5 घंटे की धूप दें, फिर शेडी एरिया में रख दें। तो इस तरह से करते करते ये कैलेंडुला प्लांट बहुत लंबे अरसे तक फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता रहता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है और सर्दियों में तो इसे फुल दिन की धूप आप दें इसे, और इसमें पानी में आप ये ख्याल रखें कि इसमें ओवर वाटरिंग ना हो, इसको ओवर वाटरिंग से बचाएं। और पानी इसे जब दे जब इसकी मिट्टी हाथ छूने पे सूखी महसूस हो। और इसकी प्लांट में मॉइस्चर हमेशा बना रहना चाहिए और इसकी मिट्टी कीचड़ जैसी ना हो। कीचड़ जैसी मिट्टी होती है तो इससे क्या होता है कि रूट्स डैमेज हो जाती है, गल जाती है रूट्स। तो बहुत ही खूबसूरत है मेरा कैलेंडुला का प्लांट, आप देख सकते हैं मेरे पास कितने अच्छे से चल रहा है। मैं इसमें वाटरिंग का अच्छे से ख्याल रखता हूँ। तो मेरे पास एक और कैलेंडुला प्लांट है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये येलो कलर का है और इसमें तो फ्लावर बडिंग बहुत हुई हुई है। अगर मैं गिनने लगूँ तो 8 से 10 बडिंग तो मुझे इसमें नज़र आ रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत अच्छे से ये सर्दियों में ग्रोथ करता है अगर आप इसे फुल धूप में रखें और इस पर कम से कम पानी दें। और आप कोशिश करें इसे हर 10 दिन में बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र आप हर हफ्ते देंगे अपने इस प्लांट को तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेगा। और हाई नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र आप इसे ऐड ना करें क्योंकि वो बहुत हाई होते हैं, जिनकी वजह से इसमें फ्लावरिंग कम हो जाएगी और पत्ते इसके ज़्यादा आने लग जाएंगे। पत्ते भी इसके अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं पत्ते भी। आप देख सकते हैं कि पत्तों में भी इसके दिखने में खूबसूरती आ रही है और फ्लावरिंग के साथ साथ तो इसके क्या ही कहना, बहुत ही ज़बरदस्त कैलेंडुला प्लांट है ये। तो फुल धूप में रखें इसे, पानी उसी वक्त दें जब आपको इसकी मिट्टी सूखी महसूस हो, और 10 दिन में इसे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दें तो ये एक लंबे अरसे तक आपको फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता रहेगा। अगर आपको मेरे कैलेंडुला के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ सवाल आप पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट करें तो मैं कमेंट में उसका जवाब दे दूँगा। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।